पे फैमिली के अंदर अगर सुसाइड्स एंड मर्डर्स हुए हैं, दैट विल इम्पैक्ट योर एंटायर फैमिली। उसमें चांसेस ये ज्यादा होते हैं कि वो शायद जैसे थर्ड जनरेशन पहले एक लड़के ने अपने फादर की डेथ मर्डर कर दिया, राइट? उसके बाद क्या होगा कि ये जो है, मे बी इट विल रिफ्लेक्ट इन सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, क्योंकि बहुत सारे डेथ, मर्डर्स, सुसाइड्स आर मिस्ट्री इन सो मेनी फैमिली, राइट? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि किसका घर में मर्डर हुआ था, और जो मर गया वो एक्चुअली उसको मर्डर हुआ था। सो दैट कॉन्शियसनेस, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होता है। श्रीदेवी मरी, कैसे मरी? जो भी था वो अपने अपनी बेटी की मूवी रिलीज होने से पहले मर गई, और जो बोनी कपूर की फर्स्ट वाइफ थी मोना कपूर, वो भी अपने बेटे की मूवी के रिलीज होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, कुछ दिन पहले ही। डू यू ऑल नो दिस फैक्ट? ठीक है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, सच क्या है, ठीक है, लेकिन हमें ये दो बातें तो पता है कि ये तो सच थी कि वो मरी। सो व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी डाइज इन योर फैमिली और सम पर्सनल लाइक रिलेशनशिप विच इज देयर इन योर बायोलॉजिकल फैमिली डज दैट इन द फैमिली, तो एक गिल्ट आता है अंदर, ओके? वो गिल्ट हमेशा रहता है, वो गिल्ट कहीं नहीं जाता, ओके? तो क्या हुआ इन श्रीदेवी केस, उसने उस आदमी को अपना हस्बैंड बनाया, तो पर्सनल रिलेशनशिप तो हो गया, शी इज द सेकेंड वाइफ इन दैट फैमिली एंड शी हैज टेकन दैट प्लेस। अब वो उस प्लेस को कोई नहीं हटा सकता, तो वो फर्स्ट वाइफ है, वो सेकेंड वाइफ है, करेक्ट? तो ये पर्सनल रिलेशनशिप हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज डाइड, शी वाज हैविंग लॉट ऑफ ग्रज अबाउट श्रीदेवी, बिकॉज उसने उसका घर बिगाड़ दिया उसके हिसाब से, क्योंकि इसकी बहुत सारी स्टोरीज आई, और नहीं भी बिगाड़ा, मैं तो कहती हूँ शी वाज टोटली हैप्पी। बट व्हाट हैज हैपेंड व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, यू ऑलवेज कैरी अ गिल्ट विद इन यू कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। सो गिल्ट के बाद जब भी कोई इंसिडेंट होता है, ओके, तो यू कॉल लॉट ऑफ एंटिटीज कि नाउ कुछ तो आपका गिल्ट, कोई चीज तो भरेगी, या तो उनके अपने बच्चे भी सेम प्रोसेस करके मार देंगे, या कोई बाहर वाला मार। बट शी डाइड जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ जाह्नवी कपूर मूवी, राइट? एंड शी डाइड इन अ टब इन अ वेरी मिस्टीरियस वे, एंड द अदर साइड मोना कपूर डाइड बिकॉज ऑफ द कैंसर, बट कैंसर इज ऑल्सो हाई लेवल ऑफ हेटरेट। आर यू गेटिंग मी नाउ? सो शी मस्ट बी स्कोरिंग लॉट ऑफ हेटरेट बिकॉज ऑफ दिस मैरिज, एंड मे बी कि वो उसके जन्मों का भी होगा, बट वो एक इंसिडेंट ने उससे वहां ट्रिगर कर दिया, इधर वो मर गए। सो ये कभी भी किसी के साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं विच आर नॉट वेरी क्लियर, इट इज आउट ऑफ गिल्ट ओनली, दे कॉल करेक्ट दैट इंसिडेंट्स। ऑल द वुमेन हु आर विक्टिम ऑफ रेप और सेक्सुअल अब्यूज, दे कॉल दीज इंसिडेंट्स इन देयर स्पेस आउट ऑफ गिल्ट, क्लियर? इवन द मैन दे कॉल लॉट ऑफ इंसिडेंट ऑफ दी, आजकल तो अब्यूज तो मैन के साथ भी बहुत होता है, सो दे कॉल देम आउट ऑफ गिल्ट। तो जब आपको किसी चीज का गिल्ट हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउ यू आर गोइंग टू कॉल अ सम और काइंड ऑफ थोड़ा सा कहीं से कोई एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट होगा जहां पे आपका वो गिल्ट कोई ना कोई फुलफिल कर देगा, ओके? बिकॉज गिल्ट इट्स सेल्फ अ ब्लॉक, गिल्ट इट्स सेल्फ अ पनिशमेंट। ये सारी चीजें आप और डिटेल में, जब मैं कंसेंस पढ़ाऊंगी तब और डिटेल में आपको पता चलेगा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस इन द फैमिली, इन द होल फैमिली। आर यू गेटिंग मी? कि अगर आपने फैमिली के अंदर ही गिल्ट क्रिएट किया है, तो फैमिली के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती, फैमिली के अंदर से ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। दो वी हैव हियर्ड लॉट ऑफ र्यूमर्स अबाउट कि शी वाज किल्ड और शी वाज दिस दैट, बट वी डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ, बट वी नो ओनली वन थिंग कि ये जो भी कुछ होता है कि भाई कोई मैरिड था ऑलरेडी, आपने उससे शादी कर ली, उस आपकी वजह से कुछ हुआ किसी की फैमिली में, तो आप कितना भी बोलो कि ना इट वाज ओके, वी वर ऑन लाइक सेम पेज, और वी वर लाइक मैचिंग टू ईच अदर, वी वर इन लव, दिस एंड दैट, बट यू कैन नॉट फॉरगेट दैट फैक्ट दैट दिस लेडी वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ यू, एंड दीज थिंग कैन क्रिएट लॉट ऑफ गिल्ट इन योर स्पेस। आर यू गेटिंग मी ऑल? इवन व्हेन यू मर्डर समवन, you only creates
अ सेंस ऑफ गिल्ट ऑलवेज, भले ही आपने गुस्से में किया हो। डू यू सी व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग आउट ऑफ एंगर, एक सेकंड को आपको एक थॉट जरूर आता है कि आई शुड नॉट डू दिस, बट क्योंकि एंगर इतना हावी होता है कि आप वो करके ही मानते हो। बट अगर एक बार आप अपने अंदर की आवाज सुनेंगे तो आप हमेशा राइट डिसीजन ही लेंगे, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ कॉलिंग ऑफ योर कंसियंस दैट इट इज रॉन्ग और इट इज राइट बिफोर यू डू समथिंग। ओके, सो पीपल हु आर लाइक हु आर एबल टू लिसन टू दैट वॉइस, दे आर द पीपल हु लिव्स वेरी बैलेंस लाइफ। सो व्हेन एवर यू टेक एनी स्टेप इन योर लाइफ, प्लीज थिंक अबाउट इट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग इन योर स्पेस, बिकॉज देर इज अ वॉइस ऑलवेज विद इन यू एंड इट्स योर वॉइस ओनली। कोई आपका आत्मा परमात्मा नहीं चिल्ला रहा है, दिस इज यू एंड इट इज योर वॉइस। Thank you.